हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो गाइस, आज के वीडियो में हम प्लेइंग करने वाले हैं न्यू मोबाइल फोन सैमसंग गैलेक्सी M51 के साथ। तो गाइस, इस वीडियो में आपको इस मोबाइल फोन की डीपीआई सेंसिटिविटी और जो हमारा गेम प्ले होता है सब कुछ आपको बताऊँगा। इसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को जो मिलेगी और क्या क्या इसमें अच्छी चीज़ें हैं सब कुछ आपको बताने वाला। तो गाइस, वीडियो पूरे अंत तक जरूर देखना। उससे पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन ऑप्शन है उसे ऑल पर सेट कर देना। तो गाइस, इस वीडियो में आपको सब कुछ इस फ़ोन के बारे में डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि क्या इस बैटरी वगैरह जो होती है इसमें कितने गेम के पास इसकी ख़त्म होगी, मतलब सब कुछ आपको पता चलेगा। तो और गाइस, इस मोबाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी जो बैटरी 7000 mAh की जो बैटरी है उसके बारे में बात करनी, इसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी और क्या कितने देर तक मोबाइल चलेगा, किस तरह गर्म होगा या फिर नहीं, सब कुछ आपको बताएंगे। तो गाइस, वीडियो पूरे एंड तक जरूर देखना। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इसमें सबसे बढ़िया क्या लगा, उसके बाद आपको बताऊँ इसमें सबसे बेकार क्या लगा। तो गाइस, इसमें सबसे बढ़िया जो लगा मुझे इसकी स्मूथनेस। तो गाइस, इसमें मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे बंदे या फिर आप भी जब भी मोबाइल में गेम खेलते हो तो आपका इसमें मतलब हाथ चिपचिपा होने लगता है, मतलब आपको पाउडर वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ती है और स्किन मतलब बिल्कुल बेकार हो जाती है, आपके खेलने में नहीं आता। तो इसमें ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा और इसमें मतलब एकदम स्मूथ इसकी स्क्रीन है। आप इसमें हाथ लोगे तो आपको एकदम अलग वाली फीलिंग आएगी, एकदम अच्छा मोबाइल चलेगा आपका। तो इसकी जो ग्राफिक्स वगैरह है वो भी मतलब स्मूथ ही है, एकदम ओपी इसमें चलता है और जो इसका मतलब पार से भी इसका जो कवर वगैरह है वो भी एकदम स्मूथ वगैरह एकदम बढ़िया है। तो इसमें ये सबसे बढ़िया इसकी खासियत है और बाकी इसकी 6 GB रैम है वो भी एकदम ओपी। और गाइस, इसकी सबसे बेकार चीज़ में लगी इसकी बैटरी लाइफ। इसकी मतलब इसका कंपेयर मैंने रेडमी नोट 9 Prime की जो बैटरी लाइफ है उससे किया था, मतलब दोनों मोबाइल का मैंने एक साथ स्टार्ट किया तो गाइस इसकी जो बैटरी है उससे आधा घंटा जल्दी उतर गई, यानी उसमें 5000 mAh की बैटरी है और उसमें 7000 mAh बैटरी, तब भी इसका जो चार्ज है वो आधे घंटे जल्दी उतर गया। वो 3.5 घंटे चला, मतलब 3.5 घंटे चला और वो 4 घंटे 10 मिनट ऐसा कुछ लगभग चला था, मतलब आधे घंटे से ज़्यादा उससे कम ये चला। तो आप समझ सकते हैं इसकी बैटरी सिर्फ नाम की है 7000 mAh की और उसका जो फास्ट चार्जर वो एकदम ओपी है, मतलब जो उसके उससे जो बहुत जल्दी चार्ज हो गया तो एकदम अच्छा है इसका चार्जर है। और गाइस, अब बात करते हैं इसकी मेन चीज़ जो चीज़ें हैं हमारी डीपीआई और सेंसिटिविटी। तो गाइस, सेंसिटिविटी मैंने पुराने मोबाइल वाली रख रखी है लेकिन गाइस उससे इसमें बहुत बढ़िया सेंसिटिविटी वो चल रही है, मतलब उसमें जो चलती थी उससे बहुत ही बढ़िया इसमें चल रही है वो सेंसिटिविटी। जो सेंसिटिविटी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये मैंने पुराने मोबाइल में रख रखी थी और अब इस मोबाइल में रख ली है। फर्स्ट वाला हमने 100 रखा है, सेकंड वाला और थर्ड वाला हमने 70-70 रखा और लास्ट वाला जो हमारा वो 10 रखा है। और इसके डीपीआई के बारे में बात करें तो गाइस अभी तक डीपीआई मैंने बढ़ाई नहीं है क्योंकि गाइस अभी न्यू मोबाइल फ़ोन है, 6 GB रैम है, सब कुछ बढ़िया है, स्मूथ चल रहा है मोबाइल फ़ोन। तो गाइस डीपीआई बढ़ाने की आपको जरूरत ही पड़ी है, प्रोसेसर भी एकदम बढ़िया है। तो गाइस तो भी मैं आपको डीपीआई बता देता हूँ, तो गाइस की डीपीआई जो आपको 650 तक रखनी है क्योंकि 6 GB रैम है, 650 तक ये सपोर्ट कर लेगा तो आपको 650 तक आप रख सकते हैं इसकी डीपीआई जो है। और गाइस ओवरऑल मैं आपको बताऊँ इसका गेम प्ले, तो गाइस अभी मतलब पूरा न्यू मोबाइल फोन आपको समझ सकते हैं कस्टम HUD सब कुछ जमाना एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि अभी न्यू मोबाइल फोन है, पहला गेम प्ले आप देख पा रहे हो, मतलब पहला दूसरा इसमें गेम प्ले मैं आपको रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ, तब भी गाइस एकदम ओपी चल रहा है, एकदम हेड वगैरह सब कुछ अच्छे लग रहे हैं, मतलब एक फायर जो बटन है वो भी मेरे सेट नहीं हुआ तब भी गाइस एकदम ओपी इसमें चल रहा है और आप समझ सकते हैं एकदम ओपी मोबाइल फ़ोन है। लेकिन गाइस जो बैटरी है वो भी बेकार लगी उस मोबाइल फ़ोन से, मतलब कितनी 9 Prime से आधा घंटे से ज़्यादा ये जल्दी उतर गई, तो वो आपको एक दिक्कत इसमें देगी। बाकी सब एकदम परफॉर्मेंस सब कुछ बढ़िया है और इसका कैमरा वगैरह भी बढ़िया है, तो आपके लिए अच्छा मोबाइल फ़ोन है। और गाइस एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि गाइस इसमें जो अब आता है इसमें आप सभी मोबाइल में देखा होगा आपने गेमर्स स्पेस वगैरह आता है इसमें, मतलब जो आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस उसको बढ़ा देता है, नोटिफिकेशन नहीं आता गेम के बीच में या फिर फ़ोन कॉल वगैरह नहीं आते हैं, तो इसमें एकदम हाई फीचर आपको दे रखे चीज़ें, इसमें ट्रिगर वगैरह के भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, मतलब आप जैसे ऊपर जो हमारा पावर वाला बटन होता है वॉल्यूम वाला बटन उसे दबाओगे तो गाइस आपका फायर बटन जो चलेगा, इस तरह ट्रिगर वगैरह आपने देखे होंगे वो इसमें दे रखा है, उसे आप यूज़ कर सकते हो। और बहुत सारी चीज़ में दे रखी है जैसे कॉल नहीं आना या फिर ब्लॉक वगैरह नोटिफिकेशन नहीं आना, सब कुछ इसमें सेट कर रखे हैं। और इसके अलावा इसमें माइक्रो वगैरह का भी आप यूज़ कर सकते हो, जी हाँ गाइस माइक्रो का भी इसमें आपको यूज़ देखने को मिलेगा, माइक्रो अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो इस मोबाइल फ़ोन में आप आसानी से यूज़ कर सकते हो, आसानी से नहीं कर सकते गाइस मोबाइल वगैरह हैंग होता है, PC माइक्रो इसमें आप यूज़ करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन गाइस
एकदम आईफोन में जो यूज़ होता है उस तरह आप इसे यूज़ कर सकते हो।